एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि इन रिलेशन टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए इन रिलेशन टू। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इन रिलेशन टू का मतलब होता है के बारे में या के संबंध में। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे उसके अफेयर्स के बारे में कुछ कहना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव टू से समथिंग इन रिलेशन टू देयर अफेयर्स, यानी उनके अफेयर्स के बारे में मुझे कुछ कहना है, मुझे आपके बारे में कुछ कहना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव टू से समथिंग इन रिलेशन टू यू, यानी मुझे आपके बारे में कुछ कहना है। हो सकता है कि आप ये सोचे कि मैंने यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल क्यों किया, यानी मैंने क्यों बोला आई हैव टू से। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप पार्ट 17 देखें। पार्ट 17 में मैंने सिखाया है कि हैव टू, हैज टू और हैड टू क्या है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन रिलेशन टू का एक और मीनिंग होता है जो है की तुलना में। यानी कई बार आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जहाँ आप कहते हैं की तुलना में, तो वहाँ भी आप इन रिलेशन टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो बाएं हाथ की तुलना में उसका दाहिना हाथ छोटा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज राइट हैंड इज स्मॉलर इन रिलेशन टू लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड की तुलना में राइट हैंड छोटा है। अगर आपको कहना हो वह अपनी भाई की तुलना में ज्यादा कमाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही अर्न्स मोर इन रिलेशन टू हिज ब्रदर, यानी वह अपनी भाई की तुलना में ज्यादा कमाता है। मैं आपकी तुलना में ज्यादा बोल सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन स्पीक मोर इन रिलेशन टू यू, यानी मैं आपकी तुलना में ज्यादा बोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये बात आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इन रिलेशन टू का मतलब होता है के बारे में और की तुलना में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।